हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तृप्तिस ब्लॉग। और आज का ब्लॉग थोड़ा यूनिक होने वाला है गाइस। और आज हम आपको एनिमल रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट के बारे में आपको दिखाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि हमने ये एक छोटा सा पप है जो हमें रास्ते में मिला था और हमने इसे अपने घर ले आया एक हमारे नेबर के हेल्प से। वो बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, उनका नाम सूरज है और आज उन्हीं के वजह से ये बच्चा का ट्रीटमेंट हम लोग कर पाए। और अभी आज उसका पहला डे है ट्रीटमेंट का और आप देख सकते हैं कि उसको कितने सारे मैगट्स हो गए हैं बॉडी में। और लगभग मैंने मोर देन 50 मैगट्स तो निकाले ही होंगे। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हम आपको बताएंगे कि अगर आपके एरिया में इस तरह का अगर कोई भी पप आपको मिलता है जो मैगट्स से इन्फ्लिक्टेड होंगे तो आप जनरल प्राइमरी ट्रीटमेंट तो दे ही सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर एक चिमटा है तो आप एक चिमटा ले आओ, और अगर आपके पास डेटॉल है तो थोड़ा सा डेटॉल आप पानी में मिला के आप उस जगह पे जहाँ पे ऊंट है मैगट से वहाँ डाल दो, अगर आपके पास और कोई भी मेडिसिन नहीं है तो। ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अगर आपके पास समय है, आप हॉस्पिटल या मेडिकल वेटनरी फार्मेसी आप जा सकते हो, तो आपको लेना है नेगेसेंट पाउडर या सेफालिक्सिन। ये दो आप क्या करोगे, आप ये दो पाउडर को कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। आपको घाव को जो मैगट से उसको आपको डेटॉल या बेटाडीन लिक्विड जो होता है बेटाडीन सॉल्यूशन आपको उससे इसको क्लीन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लीन करने के बाद आप वो जो पाउडर है सेफालिक्सिन हो या नेगेसेंट पाउडर हो आप उसे यहाँ पे पूरा फिलअप कर दें घाव के अंदर, और उसको अच्छे से कॉटन और गौज के मदद से आप बैंडेज कर दो। बस आपको दो दिन तक बैंडेज करना है, डेली आपको ड्रेसिंग करना पड़ेगा, पहला और दूसरा दिन आपको देना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं टर्पेंटाइन ऑयल, हमारे पास उस पहला दिन टर्पेंटाइन ऑयल था तो हमने ये यूज़ किया था। ये इंसानों के मैगट्स में भी काम में आते हैं तो मैंने ये यूज़ किया था और मैंने बहुत सारे मैगट्स निकाल दिए पहले दिन में ही। उसके बाद मैंने दूसरे दिन से रेस्ट ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया। तो दूसरे दिन का भी वीडियो, तीसरे दिन का भी वीडियो, पूरा इसका ठीक होने तक सारे वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करूँगी। आप देख ही सकते हो कैसे उसका हमने ट्रीटमेंट किया, कैसे इम्प्रूवमेंट होगा उसका, आप सारे वीडियोस देख सकते हो। और ये है बेटाडीन सॉल्यूशन, बेटाडीन सॉल्यूशन से फिर मैंने साफ किया, फिर मैंने उसको बैंडेज कर दिया था। तो ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट जो आप खुद कर सकते हो। बट मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप वेटनरी डॉक्टर से सलाह ले लें। आप ओवर दी फ़ोन भी ले सकते हैं अगर छोटा मोटा घाव है, छोटा मोटा ऊंड है तो। और मैंने तो ये डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट मैंने किया, मैं हमेशा डॉक्टर का सलाह से ही ट्रीटमेंट करती हूँ। और अभी भी मैंने मेरे वेटनरी डॉक्टर से ही मैंने पूछा और उन्होंने जो भी बोला था मैं उसी के अकॉर्डिंग में उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो गाइस, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बहुत छटपटा रहा था, बहुत ही दुख हो रहा था उसे ऐसे तड़पते हुए देख के। बट क्या करें, पहला दिन तो बहुत ही उसको दर्दनाक था, आप देख ही सकते हैं कैसे वो छटपटा रहा है, बहुत रो रहा था। मैं बहुत तकलीफ़ हुआ गाइस उसको देख के, बहुत ही छोटा सा बच्चा है। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। प्लीज़ प्रे करिए ये बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप देख सकते हैं बहुत दर्द में है वो। और ये है तृप्ति, बहुत ही सेवा कर रही है वो। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।